जब टूटने लगे हौसला तब याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तब याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं होते, अरे ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार, मैं तेजेंद्र सिंह और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल UTT नेटवर्क पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंग्लिश डिविजन क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 के बारे में दोस्तों। तो बिल्कुल समय को देर ना करते हुए हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे आज हम बात करेंगे एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण दोस्तों, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्ब। तो दोस्तों, हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। परिभाषा क्या दोस्तों? वह शब्द जो, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो परिभाषा, वह शब्द जो नाउन यानी संज्ञा, प्रनाउन, सर्वनाम और इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक को छोड़कर अन्य सब पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कथन के भेद की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब कहते हैं। कभी कभी यह पूरे वाक्य यानी सेंटेंस तथा फ्रेसेस यानी शब्द समूह को भी मॉडिफाई करता है। निम्नलिखित उदाहरण को देखो। फर्स्ट उदाहरण है दोस्तों हमारा, ही राइट्स स्लोली यानी कि वह धीमा लिखता है। इस वाक्य में स्लोली शब्द राइट नामक क्रिया वर्ब की विशेषता बताता है। अब दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्रिया विशेषण के भेद। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, क्रिया विशेषण के भेद। इसको दोस्तों हम इंग्लिश में बोलेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब यानी कि ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा सिंपल एडवर्ब। परिभाषा, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। सिंपल एडवर्ब द्वारा टाइम यानी कि समय, प्लेस स्थान, नंबर यानी संख्या, मैनर यानी कि ढंग, रीजन यानी कि कारण, डिग्री यानी कि परिमाण, अफर्मेशन यानी कि स्वीकृति तथा नेविगेशन, निगेशन यानी निषेध का बोध होता है। जैसे एक जान लेते हैं टाइम, समय। तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल है ही कम्स हियर डेली। सेकंड है हमारा वी हैव डन इट बिफोर। थर्ड है हमारा गीता अराइव्ड लेट। तो इन उपयुक्त वाक्यों में डेली, बिफोर, लेट से टाइम यानी समय का बोध होता है। इन्हें सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। अब दोस्तों, पहचान के बारे में बात कर लेते हैं इसमें। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसके बारे में पहचान कैसे करेंगे। दोस्तों, पहचान के लिए यह वर्ब यानी कि क्रिया में कब लगाकर ज्ञात होता है। इस प्रकार के एडवर्ब मुख्य रूप से निम्न है, नाउ, देन, बिफोर, सिंस, एगो, ऑलरेडी, सून, प्रेजेंटली, इमीडिएटली, डेली, टू, टुमारो, यस्टरडे, टूडे, आफ्टरवर्ड्स। ये दोस्तों इसके कुछ एग्जांपल है, इसकी पहचान है दोस्तों। इसकी हम पहचान कर सकते हैं कि हमारी यहाँ पे एडवर्ब यानी कि वर्ब क्या है दोस्तों। अब हमारा सेकंड यहाँ पे चलते हैं हम प्लेस यानी कि स्थान के बारे में यहाँ पे बात करेंगे हम। इसमें प्लेस के बारे में स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दोस्तों सी कम्स हियर। सेकेंड है हमारा ही विल गो देयर। थर्ड है हमारा प्लीज कम इन। इन वाक्यों में हियर, देयर, इन में प्लेस स्थान का बोध होता है। इन्हें सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। पहचान की बात करें दोस्तों, ये वर्ब यानी क्रिया में कहाँ लगाया जाता लगाकर ज्ञात होता है। इस प्रकार के एडवर्ब निम्नलिखित हैं, हियर, देयर, इन, आउट, विथआउट, विथिन, अबव, अवे, बैकवर्ड, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, फॉर, नेवर, अवे, एवरीवेयर आदि। सी है हमारा पॉइंट दोस्तों नंबर यानी कि संख्या। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ही मीट्स मी ट्विस। सेकेंड है हमारा आई हैव कम अगेन। थर्ड है हमारा सी ऑलवेज हेल्प मी। तो इन वाक्यों में ट्विस, अगेन, ऑलवेज से नंबर यानी संख्या का बोध होता है। इन्हें सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं। पहचान की बात करें दोस्तों, इसमें वर्ब में कितनी बार इसमें वर्ब में कितनी बार लगाकर ज्ञात करते हैं। इस वर्ब इस प्रकार के एडवर्ब निम्नलिखित हैं, वंस, थ्राइस, नेवर, समटाइम्स, ऑफन, सेकेंडली, ट्विस, अगेन और ऑलवेज आदि। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड यानी कि मैनर्स यानी कि विधि। तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ही राइट्स क्लियरली। सेकेंड है दे वर्क हार्ड। थर्ड है हमारा इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली। अब दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे इन वाक्यों में क्लियरली, हार्ड, ब्रेवली,
से मैनर का बोध होता है, इन्हें सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। पहचान दोस्तों है, यह वर्ब में कैसे या किस प्रकार लगाकर ज्ञात करते हैं। इस प्रकार के एडवर्ब निम्नलिखित हैं, सो, प्रॉबेबली, वेडली, क्लियरली, वेल, सर्टनली आदि। रीजन्स यानी कि दोस्तों कारण के बारे में बात करेंगे हम, यानी कि कारण इन पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर इसको ज़ूम कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कारण की। ये देखिए दोस्तों, इसको कारण की बात करते हैं हम, रीजन्स। तो फर्स्ट एग्जांपल है दोस्तों हमारा ही देयरफॉर लेफ्ट द क्लास। सेकंड है हमारा सी हैंस अनेबल टू गो। तो इन वाक्यों में देयरफॉर हैंस से रीजन्स यानी कारण का बोध होता है, इन्हें सिंपल एडवर्ब ऑफ रीजन्स कहते हैं। पहचान की बात करें दोस्तों, कैसे पहचान करेंगे, यह वर्ब यानी क्रिया में क्यों लगाकर ज्ञात करते हैं। देयरफॉर हैंस वन एंड अकाउंट ऑफ ड्यू टू आदि जैसे सब इस प्रकार के एडवर्ब हैं। एफ है हमारा डिग्री यानी कि परिमाण दोस्तों। तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल है यहाँ पे आई एम क्विट नाइट। सेकंड है हमारा आई एम टू ग्लैड। थर्ड है हमारा मीरा सिंग्स प्रेटी वेल। इन वाक्यों में क्विट टू प्रेटी से डिग्री परिमाण का बोध होता है, इन्हें सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। पहचान दोस्तों, यह वर्ब में कितना लगाकर याद करते हैं। इस प्रकार के एडवर्ब निम्नलिखित हैं, वेरी मच, टू, एनी, सो, इनफ, एस आदि दोस्तों। हम दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे अफर्मेशन की बात करते हैं। यहाँ पे अफर्मेशन यानी कि दोस्तों स्वीकृति, हिंदी में बोलते हैं हम दोस्तों इसके लिए स्वीकृति। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे। ओके, फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों, यस आई शैल गो टू होम। सेकेंड है हमारा श्योरली ही इज मिस्टेकन। तो इन वाक्यों में यस श्योरली में स्वीकारात्मक भाव प्रकट होता है, इन्हें सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। पहचान की बात करें दोस्तों, इसके द्वारा प्रश्न का उत्तर हाँ में मिलता है, यस और सर्टेनली इसके उदाहरण हैं। निगेशन या निषेध, यू नेवर टोल्ड ए लाई। सेकेंड है हमारा ही डज नॉट नो मी। इन वाक्यों में नेवर और नॉट से निषेधात्मक भाग प्रकट होता है, इन्हें सिंपल एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं। पहचान है दोस्तों, इसका उत्तर नहीं में मिलता है, नेवर और नॉट इसके उदाहरण हैं। अब दोस्तों हमारा जो सेकंड यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे, ओके, ये देखिए दोस्तों इंट्रोगेटिव एडवर्ब। परिभाषा की बात करें, देखो डेफिनेशन की बात करें तो यह वाक्य में सबसे प्रयुक्त होता है और प्रश्न पूछने का कार्य करता है। जैसे वेयर इज हरी, वैन विल दे कम, वाई आर यू सैड। तो इन वाक्यों में वेयर, वैन, वाई प्रारंभ में प्रयुक्त होते हैं और प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, इसलिए यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। इसके उदाहरण है वाई, वैन, वेयर, हाउ। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे रिलेटिव एडवर्ब। क्या चीज़ दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप रिलेटिव एडवर्ब। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं परिभाषा की बात करें दोस्तों, डेफिनेशन क्या होगी रिलेटिव एडवर्ब की दोस्तों, तो यह दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले आए उस संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं। हुए स्थान यानी कि स्थान, प्लेस, समय, टाइम, कारण, रीजन और विधि, मैनर आदि बताता है। जैसे फर्स्ट हमारा एग्जांपल है, दिस इज़ द पैलेस वेयर आई सॉ हिम। सेकंड है हमारा, रमेश नाउस द वे हाउ एंड इजी इज रिटेन। पहले वाक्य में वेयर दो वाक्यों दिस इज़ द पैलेस और आई सॉ हिम को जोड़ता है तथा अपने से पहले प्रयुक्त प्लेस नामक संज्ञा की ओर संकेत करते हुए स्थान का ज्ञान कराता है। दूसरे वाक्य में हाउ दो वाक्यों रमेश नाउ द वे और ऐसे इज रिटन को जोड़ता है तथा अपने से पहले प्रयुक्त वे नामक संज्ञा की ओर संकेत करते हुए विधि का ज्ञान कराता है। अतः प्रयुक्त हाउ द रिलेशन एडवर्ब है। पहचान, यह एडवर्ब दो वाक्यों के बीच में आता है और इससे पहले दो नाउन होगी, संज्ञा होगी, वह उसकी सहयोगी होगी। ये निम्नलिखित होते हैं, वैन, बाय, वाइल, वेयर, हाउ, एज। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे हम फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब यानी कि फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब। तो फर्स्ट हमारा एडजेक्टिव्स के अंत में एलवाई लगाकर एडवर्ब बनते हैं। तो यहाँ पे आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पे आप इसकी पर देख पा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले एडजेक्टिव्स एडवर्ब। सबसे पहले दोस्तों देखिए, बैड का बैड बनेगा बैडली, क्लियर का बनेगा क्लियरली, लाउड का लाउडली, रीड का रेडी का रेडली, और यहाँ पे सर्टेन का सर्टेनली, क्लियर का क्लियर, तो क्लेवरली क्लेवर है, और हैप्पी का हैप्पीली, हैवी का हैवीली।
संकेत यानी स्पष्ट है हमारा, जब एडजेक्टिव के अंत में वाई हो और उससे पहले कांस्टेंट व्यंजन हो तो एल वाई लगाते समय वाई को आई में बदल देते हैं। सेकंड है हमारा, कुछ शब्द एक ही फॉर्म यानी रूप में एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होते हैं हो जाते हैं, जैसे एडवर्ब ये है, एडजेक्टिव ये है, तो हरी वर्क्स हार्ड। तो इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप मैं इसका कंटेंट कर देता हूँ। ओके, एक चीज़ हार्ड क्वेश्चन, स्टैंड नियर का दे आर माई नियर रिलेशन। थर्ड देखिए, कुछ एडवर्ब के दो फॉर्म रूप होते हैं, या इस एक जिसके अंत में एल वाई होता है, दूसरा जो एडजेक्टिव की तरह होता है, जैसे सी सिंग्स वेरी लाउडली यानी एडवर्ब, और सी सिंग्स वेरी लाउडली यानी एडवर्ब। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे फोर पॉइंट, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे। ओके, मैं तो कलर चेंज कर देता हूँ इसका। ये देखिए फोर्थ पॉइंट हमारा, कुछ शब्द एक ही फॉर्म यानी रूप में एडवर्ब और प्रपोजिशन की तरह प्रयोग होते हैं, जैसे दे आर कम इन, दे आर इन रूम, आई लेफ्ट हिम बिहाइंड, ही वेंट बिहाइंड बिहाइंड द डोर। तो ये दोस्तों थी आज की हमारी इंग्लिश रीजन क्लासेस डे 12 के थर्ड पार्ट, थर्ड के बारे की दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों अब क्या करना है, कुछ छोटा सा काम करना है, सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि सीखेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।